ओम शांत। 17 नवंबर 2023। बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप के गले का हार बनने के लिए ज्ञान योग की रेस करो। तुम्हारा फर्ज है सारी दुनिया को बाप का परिचय देना। प्रश्न, किस मस्ती में सदा रहो तो बीमारी भी ठीक होती जाएगी। उत्तर, ज्ञान और योग की मस्ती में रहो। इस पुराने शरीर का चिंतन नहीं करो। जितना शरीर में बुद्धि जाएगी, लोभ रखेंगे, उतना और ही बीमारियां आती जाएंगी। इस शरीर को श्रृंगारना, पाउडर क्रीम आदि लगाना, ये सब फालतू श्रृंगार है। तुम्हें अपने को ज्ञान योग से सजाना है, यही तुम्हारा सच्चा सच्चा श्रृंगार है। गीत, जो पिया के साथ है। ओम शांति। जो बाप के साथ है, अब दुनिया में बाप तो बहुत हैं, परंतु उन सभी का बाप रचयिता एक है, वही ज्ञान का सागर है। यह जरूर समझना पड़े कि परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है। ज्ञान से ही सदगति होती है। सदगति मनुष्य की तब हो जब सत्युग की स्थापना होती है। बाप को ही सदगति दाता कहा जाता है। जब संगम का समय हो तब तो ज्ञान का सागर आकर दुर्गति से सदगति में ले जाए। सबसे प्राचीन भारत है। भारतवासियों के नाम पर ही 84 जन्म गाये हुए हैं। जरूर जो मनुष्य पहले पहले हुए होंगे वही 84 जन्म लेते होंगे। देवताओं के 84 जन्म कहेंगे तो ब्राह्मणों के भी 84 जन्म कह रहे। मुख्य को ही उठाया जाता है। इन बातों का किसी को भी पता नहीं है। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचते हैं। पहले पहले सूक्ष्म लोक रचना है, फिर यह स्थूल लोक। यह बच्चे जानते हैं सूक्ष्म लोक कहाँ है, मूल लोक कहाँ है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, इसको ही त्रिलोक कहा जाता है। जब त्रिलोकी नाथ कहते हैं तो उसका अर्थ भी चाहिए ना। कोई त्रिलोक होगा ना। वास्तव में त्रिलोकी नाथ एक बाप ही कहला सकते हैं और उनके बच्चे कहला सकते हैं। यहाँ तो कई मनुष्यों के नाम हैं, त्रिलोकी नाथ, शिव, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि। यह सब नाम भारतवासियों ने अपने ऊपर रखा दिए हैं। डबल नाम भी रखाते हैं, राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण। अब यह तो किसको पता नहीं, राधे और कृष्ण अलग अलग है। वह एक राजाई का प्रिंस था, वह दूसरी राजाई की प्रिंसेस थी। या अभी तुम जानते हो, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी बुद्धि में अच्छी अच्छी पॉइंट्स धारण रहती हैं। जैसे डॉक्टर, जो अच्छा होशियार होगा उनके पास तो बहुत दवाइयों के नाम रहते हैं। यहाँ भी यह नई नई पॉइंट्स बहुत निकलती रहती हैं। दिन प्रतिदिन इन्वेंशन होती रहती है। जिनकी अच्छी प्रैक्टिस होगी वह नई नई पॉइंट्स धारण करते होंगे। धारण नहीं करते हैं तो महारथियों की लाइन में नहीं लाया जा सकता। सारा मदार बुद्धि पर है और तकदीर की भी बात है। यह भी ड्रामा में है ना। ड्रामा को भी कोई नहीं जानते हैं। यह भी समझते हैं कर्म क्षेत्र पर हम पाठ बजाते हैं, परंतु ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तो गोया कुछ भी नहीं जानते। तुमको तो सब कुछ जानना है। बाप आए हैं, बच्चों को मालूम पड़ा तो बच्चों का फर्ज है औरों को भी परिचय देना। सारी दुनिया को बतलाना फर्ज है। जो फिर ऐसे न कहे कि हमको मालूम नहीं था। तुम्हारे पास बहुत आएंगे, लिटरेचर आदि बहुत लेंगे। बच्चों ने शुरू में साक्षात्कार भी बहुत किया है। यह क्राइस्ट इब्राहिम भारत में आते हैं, बरोबर। भारत सबको खींचता रहता है। असल तो भारत ही बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है ना, परंतु वे लोग इतना कुछ जानते नहीं है कि यह भारत भगवान का बर्थ प्लेस है। भल कहते भी हैं शिव परमात्मा, परंतु फिर सबको परमात्मा कह देने से बेहद के बाप का महत्व गुम कर दिया है। अभी तुम बच्चे समझाते हो, भारत खंड सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। बाकी और सब जो भी पैगंबर आदि आते हैं, वह आते ही हैं अपना अपना धर्म स्थापन करने। उनके पिछाड़ी फिर सब धर्मों वाले आते जाते हैं। अभी है अंत, कोशिश करते हैं वापस जाए। परंतु तुमको यहाँ लाया किसने? क्राइस्ट ने आकर क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। उसने तुमको खींच कर लाया। अभी सब तंग हुए हैं वापस जाने के लिए। यह तुमको समझाना है। सब आते हैं अपना अपना पाठ बजाने। पाठ बजाते बजाते दुख में आना ही है, फिर उस दुख से छुड़ाकर सुख में ले जाना बाप का ही काम है। बाप का यह बर्थ प्लेस भारत है। इतना महत्व तुम बच्चों में भी सभी नहीं जानते। थोड़े हैं जो समझते हैं और नशा चढ़ा हुआ है। कल्प कल्प बाप भारत में ही आते हैं। यह सबको बताना है, निमंत्रण देना है। पहले तो यह सर्विस करनी पड़े, लिटरेचर तैयार करना पड़े। निमंत्रण तो सबको देना है ना। रचयिता और रचना की नॉलेज कोई भी नहीं जानते। सर्विसेबल बनकर अपना नाम बाला करना चाहिए। जो तीखे बच्चे हैं, जिनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स हैं, उनकी मदद सब मांगते हैं। उनके नाम ही जपते रहते। एक तो शिव बाबा को जपेंगे, फिर ब्रह्मा बाबा को, फिर नंबर वार बच्चों को। भक्ति मार्ग में हाथ से माला फेरते हैं, अभी फिर मुख से नाम जपते हैं। फलाने बहुत अच्छे सर्विसेबल हैं, निरहंकारी हैं, बड़े मीठे हैं, उनको देह अभिमान नहीं है। कहते हैं ना, मिठरा घुर तो घुराए, मीठे बनो तो सब मीठा व्यवहार करेंगे। बाप कहते तुम दुखी बने हो, अब तुम बच्चे मुझे याद करेंगे तो मैं भी मदद करूंगा। तुम नफरत करेंगे तो मैं क्या करूंगा। यह तो गोया अपने ऊपर नफरत करते हैं। पद नहीं मिलेगा, धन कितना अतः मिलता है, किसको लॉटरी मिलती है तो कितना खुश होते हैं, उनमें भी कितने
इनाम आते हैं, फर्स्ट प्राइज, फिर सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज होती है। हूबहू यह भी ईश्वरीय रेस है, ज्ञान और योग बल की रेस है। जो इनमें पीछे जाते हैं वही गले का हार बनेंगे और तख्त पर नजदीक बैठेंगे। समझाया तो बहुत सहज जाता है। अपने घर को भी संभालो क्योंकि तुम कर्म योगी हो। क्लास में एक घंटा पढ़ना है, फिर घर में जाकर उस पर विचार करना है। स्कूल में भी ऐसे करते हैं ना, पढ़कर फिर घर में जाकर होमवर्क करते हैं। बाप कहते एक घड़ी आधी घड़ी, दिन में 8 घड़ियां होती हैं। उनसे भी बाप कहते हैं एक घड़ी, अच्छा आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी क्लास अटेंड कर, धारण कर, फिर अपने धंधे धोरी में जाकर लगो। आगे बाबा तुमको बिठाते भी थे कि याद में बैठो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। याद का नाम तो था ना, बाप और वर्षे को याद करते करते स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते जब देखो नींद आती है तो सो जाओ, फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। फिर सवेरे उठेंगे तो वही पॉइंट्स याद आती रहेंगी। ऐसे अभ्यास करते करते तुम नींद को जीतने वाले बन जाएंगे। जो करेगा वो पाएगा। करने वाले का देखने में आता है, उसकी चलन ही प्रत्यक्ष होती है, ना करने वाले की चलन ही और होती देखा जाता है। यह बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं, धारणा करते हैं, कोई लोभ आदि तो नहीं है। यह तो पुराना शरीर है, यह शरीर ठीक भी तब रहेगा जब ज्ञान और योग की धारणा होगी। धारणा नहीं होगी तो शरीर और ही सड़ता जाएगा। नया शरीर फिर भविष्य में मिलना है, आत्मा को प्योर बनाना है। यह तो पुराना शरीर है, इनको कितना भी पाउडर लिपस्टिक आदि लगाओ, श्रृंगार करो तो भी वर्थ नॉट अ पेनी है। यह श्रृंगार सब फालतू है। अब तुम सबकी सगाई शिवाबा से हुई है, जब शादी होती है तो उस दिन पुराने कपड़े पहनते हैं। अब इस शरीर को श्रृंगारना नहीं है, ज्ञान और योग से अपने को सजाएंगे तो फिर भविष्य में प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। यह है ज्ञान मान सरोवर, इसमें ज्ञान की डुबकी मारते रहो तो स्वर्ग की परी बनेंगे। प्रजा को तो परी नहीं कहेंगे, कहते भी हैं कृष्ण ने भगाया फिर महारानी पटरानी बनाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि भगाकर फिर प्रजा में चंडाल आदि बनाया, भगाया ही महाराजा महारानी बनाने के लिए। तुमको भी यह पुरुषार्थ करना चाहिए, ऐसे नहीं जो पद मिले सो ठीक। यहाँ मुख्य है पढ़ाई, यह पाठशाला है ना, गीता पाठशाला बहुत खोलते हैं। वह बैठ सिर्फ गीता सुनाते हैं, कंठ कराते हैं, कोई एक श्लोक उठाकर फिर आधा पौना घंटा उस पर बोलते हैं, इससे फायदा तो कुछ भी नहीं। यहाँ तो बाप बैठ पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, और कोई भी वेद शास्त्र जप तप आदि करने में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, बस पुरुषार्थ करते रहो। परंतु मिलेगा क्या, जब बहुत भक्ति करते हैं तब भगवान मिलते हैं। सो भी रात के बाद दिन जरूर आना है, समय पर होगा ना। कल्प की आयु कोई क्या बतलाते हैं, समझाओ तो कहते हैं शास्त्र कैसे झूठे होंगे, भगवान थोड़े झूठ बोल सकता। समझाने की सिर्फ ताकत चाहिए, तुम बच्चों में योग का बल चाहिए। योग बल से सब काम सहज हो जाते हैं। कोई काम नहीं कर सकते हैं तो गोया ताकत नहीं है, योग नहीं है। कहाँ कहाँ बाबा भी मदद करते हैं। ड्रामा में जो नोंद है वह रिपीट होता है, यह भी हम समझते हैं, और कोई ड्रामा को समझते ही नहीं। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता जाता, टिक टिक होता जाता, हम श्रीमत पर एक्ट में आते हैं। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ कैसे बनेंगे, सब एक जैसे बन नहीं सकते। यह लोग समझते हैं हम एक हो जाए, एक का अर्थ नहीं समझते। एक क्या हो जाए, क्या एक फादर हो जाना चाहिए व एक ब्रदर हो जाना चाहिए। ब्रदर कहे तो भी ठीक है, श्रीमत पर बरोबर हम एक हो सकते हैं। तुम सब एक मत पर चलते हो, तुम्हारा बाप टीचर गुरु एक ही है। जो पूरा श्रीमत पर नहीं चलते तो वह श्रेष्ठ भी नहीं बनेंगे, एकदम नहीं चलेंगे तो खत्म हो जाएंगे। रेस में उनको ही निकालते हैं जो लायक होते हैं। जब कोई बड़ी रेस होती है तो घोड़े भी अच्छे फर्स्ट क्लास निकालते हैं क्योंकि लॉटरी बड़ी रखते हैं। यह भी अश्व रेस है, हुसैन का घोड़ा कहते हो ना, उन्होंने हुसैन को घोड़े पर लड़ाई में दिखाया है। अभी तुम बच्चे तो डबल अहिंसक हो, काम की हिंसा है नंबर वन। इस हिंसा को कोई जानते ही नहीं, सन्यासी भी ऐसे नहीं समझते हैं, सिर्फ कहते हैं वह विकार है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु, यह आदि मध्य अंतम को दुख देता है। तुमको यह सिद्ध कर बताना है कि हमारा प्रवृत्ति मार्ग का राजयोग है, तुम्हारा हट योग है। तुम शंकराचार्य से हट योग सीखते हो, हम शिवाचार्य से राजयोग सीखते हैं। ऐसी ऐसी बातें समय पर सुनाना चाहिए। कोई तुमसे पूछे कि देवताओं के 84 जन्म हैं, तो भला इन क्रिश्चियन आदि के कितने जन्म हैं? बोलो यह तो तुम हिसाब करो ना, 5000 वर्ष में 84 जन्म हुए, क्राइस्ट को 2000 वर्ष हुए, हिसाब करो एवरेज कितने जन्म हुए, 30-32 जन्म होंगे। यह तो क्लियर है, जो बहुत सुख देखते हैं वह दुख भी बहुत देखते हैं, उन्हों का कम सुख कम दुख मिलता है। एवरेज का हिसाब निकालना है, पीछे जो आते हैं वह थोड़े थोड़े जन्म लेते हैं। बुद्ध का इब्राहिम का भी हिसाब निकाल सकते हैं, करके 1-2 जन्म का फर्क पड़ेगा। तो यह सब
सब बातें विचार से अगर मंथन करना चाहिए। कोई पूछे तो क्या समझाए, फिर भी बोलो पहले तो बाप से वर्षा लेना है ना, तुम बाप को तो याद करो, जन्म जितने लेने होंगे उतने लेंगे, बाप से वर्षा तो ले लो। अच्छी रीति समझाना है, मेहनत का काम है, मेहनत से ही सक्सेसफुल होंगे, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा से और बाबा के धन से बहुत लव चाहिए, कोई तो धन ही नहीं लेते। अरे ज्ञान रतन तो धारण करो, तो कहते हैं हम क्या करें, हम समझते नहीं। नहीं समझते हो तो तुम्हारी भाव अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला किसी से भी नफरत नहीं करनी है, सबसे मीठा व्यवहार करना है, ज्ञान योग में रेस करके बाप के गले का हार बन जाना है। दूसरा नींद को जीतने वाला बन, सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, जो सुनते हैं उस पर विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। वरदान बुद्धि को डायरेक्शन प्रमाण श्रेष्ठ स्थिति में स्थित करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। कई बच्चे जब योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय सिवाय बाप के निराकारी निर्विकारी निरहंकारी और कुछ याद न हो, सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जिस स्थिति में स्थित होना चाहे स्थित हो जाए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर वाले। स्लोगन, किसी भी परिस्थिति को सहज पार करने का साधन है एक बल एक भरोसा। ओम शांति।